मैया पर उसी पर ध्यान दें। इधर महाराज जब दोनों बच्चे सयाने होते हैं, यही सीन आपके सामने पेश है, किस भाव में पेश है माइके सामने आइए। अरे सुन बात सुन भाई पिताजी, अरे हमारी समझ गया। इलाहाबाद अगर हिंदी में तुम्हारा ऑपरेशन कराना होगा तो जाओ अपना कापी किताब संहारो, मैं राज मंत्री को भेज कर तुम्हारा ऑपरेशन करवा देता हूँ। जी पिता। पिताजी के चरणों में लाल का प्रणाम। अरे पिताजी के चरणों में बेटा झुकाए सीस, अरे बेटे को आशीष दीजिए खुशी रखे जब। कुछ कहना चाहता हूँ पिताजी। हो बेटा सत्यम क्या कहना चाहता है? अरे यहाँ कोई पढ़ैया पिताजी पूरा इलाहाबाद पढ़ने के लिए जाना चाहते हो? हाँ पिताजी। बेटा सत्यम तुम तो अच्छी तरह जानते हो
मेरे पास उतना शक्ति नहीं है, मेरा उतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इलाहाबाद पढ़ाऊं, लेकिन मैं महाराज से वादा किया था और वही मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तुम्हारा जितना जरूरी सामान है, कपड़ा और किताब, सब कुछ पैक कर ले। मैं अभी गया और अभी आया। पिताजी चलिए। अरे यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, की पढ़ाई पूरी कर चुका है और इलाहाबाद पढ़ने के लिए जाना चाहता है, और तो जानते हैं उसे पढ़ाने के लिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया। प्रधानमंत्री घबरा क्या रहे हो, मैं तो पहले ही कह दिया था जब 18 वर्ष का हो जाएगा तो पढ़ाने लिखाने के खर्च हम देंगे। आप धन्य है महाराज, आप धन्य है, तो ठीक है, मैं बेटा सत्यम का नाम लिखाने के लिए इलाहाबाद जाऊं। बेटी सत्यम ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कह रही है। क्या बेटी सत्यम ही इलाहाबाद पढ़ने के लिए जाना चाहती है, तो बहुत खुशी की बात है महाराज, दोनों भाई आपस में अपना दुख सुख बांट लेंगे। हाँ हाँ राजमंत्री, ठीक है महाराज, तो मैं अभी जा रहा हूँ और राजकोष से जितना पैसा होगा उसको लेकर के इलाहाबाद दोनों का नाम लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है। तू फजा
सत्य सत्य तू पागल हो गई, तुझे यह भी पता नहीं कि हनीमून किसके साथ मनाया जाता है और किसके साथ नहीं मनाया जाता है। अरे बेवकूफ, हनीमून एक पति और पत्नी के बीच होता है। तू तो मेरी धर्म की बहन है, तुझे इतना भी समझ नहीं। सत्यम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ सत्यम, और तुम भी मुझसे प्यार कर लो सत्यम, मेरी बात मानो सत्यम, हम लोग घर चलेंगे सत्यम, मैं पिताजी को समझाऊंगी सत्यम मनाऊंगी, और पिताजी हमारी शादी करा देंगे सत्यम। नहीं सत्या, यह कदापि नहीं हो सकता। सत्यम, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो सत्यम? नहीं सत्या, अरे सुन बात, तू सुन भाई सत्यम, अरे हमारी पछाड़िया परिवार में तुम्हारे घर में नमक खाया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ सत्यम, अरे मैं तो एक राजा की बेटी हूँ सत्यम, तुम तो एक नौकर का बेटे हो सत्यम, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं बोले हूँ सत्यम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं सत्या, और तुम भी मुझसे प्यार कर लो। नहीं सत्या, अरे तुम्हारा से बात है ये सत्यम, एक तो ही चढ़ी जवनी आए सत्यम, माता ना सता मेरा मेरे राजा, दिल के पियसिया का बुझा, सत्या अब तू सही पागल हो गई। अब मुझे तू रोकोगी नहीं, अब मैं यहाँ से घर जाऊंगा। सत्यम, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो सत्यम?